सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। हेलो, आई एम इंस्पेक्टर विजय। आप? आई एम वर्मा, डॉक्टर वर्मा। सॉरी डॉक्टर साहब, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आई थैंक्स। एक्चुअली आपको दरवाजा खोलने में वक्त लग गया, तो मैंने सोचा शायद आप बिजी थी। नहीं तो मैं तो बस आराम कर रहा था। क्या बात डॉक्टर साहब? बात तो कोई खास नहीं है, अपने घर के बाहर सड़क से गुजर रहा था, देखा कि बैक साइड विंडो इज ओपन, पिछली खिड़की आपके घर की खुली है। हम रक्षक हैं डॉक्टर साहब। थैंक यू इंस्पेक्टर। और डॉक्टर साहब, आप तो जानते हैं कि शहर में सरेआम आजकल चोर उचक्के घूम रहे हैं, उनके लिए घुसने का एक बड़ा। आप चिंता मत करिए, मैं किसी को कोई मौका नहीं देने वाला। मैं अभी खिड़की बंद कर दूंगा। वेरी नाइस। ठीक है तो मैं चलता हूँ। ये शर्ट डॉक्टर साहब? ये शर्ट ये मेरे पेशेंट की है, वो सर्जरी कराने आया था, यही छोड़ के चला गया। पुलिस केस तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, सीढ़ियों से गिर गया था बेचारा। और इंस्पेक्टर, अगर पुलिस केस होता तो मैं जरूर इतला करता। ठीक है डॉक्टर साहब, चलता हूँ। जी बाय द वे इंस्पेक्टर, इन दिनों आसपास के किसी पुलिस स्टेशन में किसी के गायब होने की रिपोर्ट तो नहीं लिखवाई गई? गायब होने की? जी नहीं। क्यों? नहीं, वो दो दिनों से मेरा कंपाउंडर गायब है। ठीक है, खिड़की आप बंद करना नहीं भूलिएगा। जी हाँ, और आप दरवाजा। थैंक्स फॉर कमिंग। इंटरेस्टिंग पर्सन। चला गया है। अब ये बताओ, उस पुलिस वाले के आने पर तुम चुप क्यों गए? पता नहीं डॉक्टर, पुलिस वाले का नाम सुनते ही अजीब सा डर महसूस होने लगा था मुझे। मगर क्यों? डॉक्टर साहब, आप तो जानते हैं मुझे मेरा नाम तक पता नहीं, मुझे यह भी पता नहीं मेरे मां बाप कौन है, मैं रहता कहां हूं, क्या करता हूं, मैं ये कैसे बता सकता हूं कि मैंने कोई जुर्म किया है कि नहीं? देखो मिस्टर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम कानून की नजर से बचने के लिए ये सारा नाटक कर रहे हो? ठीक है डॉक्टर साहब, अगर अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप मुझे पुलिस के हवाले कर सकते हैं, और अगर फिर भी आपको मुझसे खतरा महसूस होता है तो मैं यहां से चला जाता हूं। कहां जाओगे? पता नहीं, इसी शहर में कोई तो होगा जो मुझे जानता होगा, पहचानता होगा, जो मुझे बता सकेगा कि मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है, मेरी
पहचान क्या है। जरूर होगा, और वो शख्स भी होगा जिसने तुम पर हमला किया, और हो सकता है वो दोबारा तुम पर हमला करने की कोशिश करे। तो आप ही बताइए डॉक्टर साहब, मैं क्या करूं? ऑलराइट, तुम कौन हो, क्या हो, ये पता लगाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारी पहचान ढूंढने में मैं तुम्हारा साथ दूंगा, क्योंकि अब मैं भी जानना चाहता हूं कि तुम कौन हो। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं डॉक्टर साहब, वही एक सवाल मेरे जहन में बार 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 बार, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या नाम है मेरा, मेरी आइडेंटिटी क्या है। तुम जो भी हो, तुम इस इलाके के, इस शहर के नहीं। आपको कैसे पता? नहीं, मैंने आज सुबह ही पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके पूछा था, तो तुम्हारे जैसे किसी भी आदमी के किसी भी पुलिस स्टेशन से गायब होने की कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई। क्या पता डॉक्टर साहब, मेरी रिपोर्ट लिखवाने वाला कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त हो भी है। मैं भी बड़ा अजीब हूँ डॉक्टर साहब, मैं जब से होश में आया हूँ अपने बारे में भी बात कर रहा हूँ, आपके बारे में पूछने की कोशिश भी नहीं की। मेरे बारे में जानने लायक कुछ ज्यादा है भी नहीं। फिर भी ये कि एक सर्जन हूँ, प्रोफेशन में थोड़ा बहुत नाम कमाया है, अच्छी प्रैक्टिस है, गाड़ी है, बंगला है, और प्यार करने वाली एक खूबसूरत सी बीवी है। लेकिन डॉक्टर साहब घर पे तो वो पनवेल गई है मायके। डॉक्टर साहब, शहर के बाहर या दूर कहीं मेरा भी एक छोटा सा परिवार होगा, बीवी हो, बच्चे हो, जो मेरा इंतजार कर रहे हो, और उन्हें पता ही नहीं कि मैं लाता हूं। देखो, मुझे लगता है तुम अपने दिमाग पर बहुत ज्यादा जोर डाल रहे हो। तुम जब तक अपने दिमाग को खुला नहीं छोड़ोगे, तुम्हें कुछ याद नहीं आएगा। रिलैक्स। किसी पॉकेट मारने या फेंका होगा। सब ये खून के धब्बे, देखिए। धब्बे तो खून के ही लगते हैं, और जिस सड़क पर तुम मुझे बेहोश मिले थे, वो यहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम पर हमला यहीं किया गया हो और तुम जख्मी हालत में सड़क पर पहुंचकर बेहोश हो गए? लेकिन मुझ पे हमला किया किसने और क्यों? हमारा पर्स छीनने के लिए। यहाँ तो अक्सर लूटमार की ऐसी वारदातें होती रहती हैं। तो इसका मतलब ये वॉलेट मेरा है? हो सकता है। तो एक बटन और मुझे लगता है मैंने ऐसा बटन कहीं देखा। मेरा अंदाजा ठीक निकला, ये बटन तुम्हारे शर्ट के इन
बटनों से मैच करता है और तुम्हारी शर्ट का एक बटन टूटा हुआ है। डॉक्टर साहब, अगर ये बटन मेरी शर्ट का है तो बटन पर्स में? ऐसा होता है अक्सर। मेरा जब कोई बटन टूट जाता है तो मैं उसे उठाकर या तो जेब में रख लेता हूँ या पर्स में रख लेता हूँ। हो सकता है तुमने भी ऐसा किया हो। इसका मतलब है ये पर्स मेरा है। लगता तो है। अच्छा लग रहा है डॉक्टर साहब, अच्छा लग रहा है ये सोचकर कि मुझे मेरा कुछ तो मिला। डॉक्टर साहब, ये खाली पर्स भी मेरी तरह है मगर और ना बेकार। डियर शीला, तुम्हारा शेखर। शेखर डॉक्टर, अगर ये खत मेरे पर्स में है तो हो सकता है मैं शेखर हूं। शेखर, आई एम शेखर डॉक्टर, माय नेम इज शेखर। डियर शीला, कई दिनों से तुमसे नहीं मिला मगर अब ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती। आज शाम 7 बजे अक्सा बीच पर मिलो, मैं बेताबी से तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम्हारा प्यारा शेखर। और शायद ये तस्वीर शीला की है। मगर ये शीला तुम्हारी है कौन? डॉक्टर, अगर मैं शेखर हूं तो जाहिर है ये मेरी प्रेमिका हो सकती है या शायद मेरी पत्नी। नहीं नहीं, पत्नी तो नहीं हो सकती क्योंकि इतना रोमांटिक लेटर कोई अपनी पत्नी को नहीं लिखता। You're right. तो शायद ये मेरी प्रेमिका है और मैंने इसे अक्सा बीच पर बुलाया था। लेकिन अगर तुमने ये लेटर शीला को लिखा तो फिर ये लेटर शीला के पास होना चाहिए। ये तुम्हारे पर्स में क्या कर रहा है? हो सकता है मैं ये खत उस तक पहुंचा नहीं पाया और उसके पहले ही मुझ पर हमला हो गया। एक मिनट, अभी पता चल जाएगा कि तुम वाकई शेखर हो या कोई और। ये लो, लिखो। क्या? इस लेटर में जो लिखा है लिखो। मैं लिखूं? हाँ, तुम लिखो। डियर शीला, कई दिनों से तुमसे नहीं मिला मगर अब ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती। आज शाम 7 बजे अक्सा बीच पर मिलो, मैं बेताबी से तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम्हारा प्यार शेखर। देखा, ये तुम्हारी राइटिंग नहीं है। इसका मतलब ये लेटर तुमने नहीं लिखा। डॉक्टर, इसका मतलब मैं शेखर नहीं। नहीं, मैं कौन? बताइए ना, मैं कौन हूं?
डॉक्टर, ये सोचते सोचते शायद मैं पागल हो जाऊंगा डॉक्टर, ये सोचते सोचते मैं पागल हो जाऊंगा डॉक्टर, प्लीज बताइए मैं कौन। लेकिन मैं इस वक्त कुछ और सोच रहा हूं। क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूं कि ये पर्स तुम्हारा है लेकिन ये लेटर तुम्हारा नहीं, फिर ये तुम्हारे पर्स में कैसे आया? किसी और का लेटर तुम्हारे पास कैसे हो सकता है? कहीं इसी लेटर की वजह से तो क्या हुआ डॉक्टर? आई थिंक मुझे पुलिस को फोन कर देना चाहिए, वही तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगा सकती है। पुलिस? हाँ, हो सकता है उनके पास तुम्हारा कोई रिकॉर्ड। कैसा रिकॉर्ड? क्रिमिनल रिकॉर्ड। अब मुझे लगता है कि तुम एक ब्लैकमेलर हो। तुम उस लेटर के बल पर उस आदमी और लड़की को ब्लैकमेल करने गए और उन्होंने तुमसे पीछा छुड़वाने के लिए तुम पर वार किया। मैं ब्लैकमेलर? वरना वो लेटर तुम्हारे पर्स में कैसे आता? डॉक्टर, अगर इस खत की वजह से उन्होंने मुझ पर हमला किया होता तो ये खत पर्स में मौजूद नहीं होता, वो लोग उसे नष्ट कर चुके होते। जरा सोचिए डॉक्टर, अगर वो पर्स उन्होंने निकाला था तो ये खत उसमें क्यों छोड़ दिया? हो सकता है उन्होंने पर्स निकाला ही नहीं, वो वहीं कहीं गिर गया। तो फिर उन्होंने उसे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? तुमने तो मुझे फिर उलझन में डाल दिया। लेकिन डॉक्टर, और इससे ज्यादा मुझे इस तस्वीर ने उलझन में डाल रखा है डॉक्टर। पता नहीं ये किसकी तस्वीर है, या तो ये मेरी प्रेमिका है या मेरी पत्नी है या कोई और है। इस तस्वीर का मेरे पर्स में मौजूद होना इस बात का सबूत है डॉक्टर कि ये लड़की मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इस लड़की का पता चल जाए तो मुझे मेरे बारे में पता चल जाएगा डॉक्टर। एक मिनट। क्या? इस तस्वीर पर कोई स्टैंप है? यस डॉक्टर, ये स्टैंप तो लगता है कि जहां पर ये तस्वीर प्रिंट हुई है वहां का है, और शायद ये तस्वीर भी वहीं खींची गई हो। इसका मतलब इस फोटो स्टूडियो से हमें उस लड़की के बारे में पता लग सकता है।